एबीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जेठ ने महिला के साथ किया छेड़छाड़, महिला ने एसडीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने के लिए हुई मजबूर। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ तहसील माटिंगन अंतर्गत ग्राम सभा लालपुर जोखू। पीड़िता अनिता पत्नी राजपाल गौतम मुंबई में रहकर काम कर 2 वर्ष पूर्व अनिता से प्रेम प्रपंच हो गया। राजपाल अपने गाँव लेकर आया और दीदारगंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में थाना परिसर में शादी कराई गई। महिला का आरोप है कि हमारे पति हमारे साथ सही ढंग से रहता नहीं है, घर वालों हमारे पति को घर से दूर भगा देते हैं और जेठ धर्मपाल पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ करता है। महिला परेशान होकर थाने पर कई बार सूचना दे चुकी है, यहां तक कि एसपी ऑफिस में तहरीर भी दे चुकी है। कोई कार्रवाई न होने पर महिला मजबूर होकर 21 मार्च 2022 को एसडीएम कार्यालय के अंदर आत्मदाह करने का प्रयास कर रही थी। तभी मौके से दीदारगंज की पुलिस पहुंचकर आत्मदाह करने से रोका। एसडीएम कार्यालय से आरोपी धर्मपाल को पुलिस लेकर थाने आई, समाचार लिखने तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आई देखिए अशोक यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या? अनीता। पूरा नाम बताइए। अनीता। घर कहाँ है? लालपुर जोखू। लालपुर जोखू तहसील मार्टिन। क्या हुआ है आपके साथ? जी मेरे साथ है ना, एक लड़का प्रेम व्यवहार से मुंबई से लेके आए हैं, शादी कर लिया, उसके बाद हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें बहुत मारा पीटा जा रहा है, हमारे साथ बदतमीजी किया जा रहा है, हमारे घर वाले खाना पीना नहीं दे रहे हैं, हमें बहुत मारा पीटा जा रहा है। बदतमीजी कौन कर रहा है आपके साथ? हमारा जेठ हमारे साथ बदतमीजी। नाम क्या है जेठ का आपके? धर्मपाल है। धर्मपाल हमें बोलता है कि हमारे पास सो जाओ, मेरा भाई नहीं तो क्या वो मैं तो। क्या बोलता है? मेरे पास सो जाओ, सोने के लिए बोलता है। तो हमने दीदारगंज एक कंप्लेंट भी 100 नंबर बोला है। 100 नंबर आई थी? आई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसका चालान किया। तो थाना से जो थाने 100 नंबर आई थी, क्या कहें वो लोग? वो लोग कहा कि पहले जांच किया जाए, तब कोई फैसला लेंगे, एक्शन लेंगे। क्या आप चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए उसको, मतलब अगर थाने से आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या कर लूँगी। कहाँ पे करेंगे? मार्टिनगंज तहसील में। हाँ जी। तो आप गई हैं कि नहीं वहाँ पे? जा रही हैं। तो वहाँ पे जैसे आपके जो साथ बदतमीजी किया है तो थाने वाले भेज दिए हैं? हाँ जी। तो आप जा रही हैं। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।